सूर्य हो, आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। भूल भुलैया के 509 के भयंकर कलेक्शन सामने आ चुके हैं और इस फिल्म ने फर्स्ट डे तक फिफ्थ डे तक एक ऐसी चीजें कर दी है जो लोग सोच नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे और लोगों को ये बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा है कि ये हुआ कैसे। क्योंकि बड़े बड़े स्टार्स, नेपोटिज्म वाले स्टार, ऐसे बड़े बड़े सुपरस्टार्स की फिल्में जहां बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी, ऐसे में कार्तिक आर्यन की फिल्म ने 5 दिनों में ऐसा कैसे कर दिया। और 2 साल के बाद ऐसा लगा था कि बॉलीवुड खत्म हो गया। ऑलमोस्ट बड़े बड़े लोगों ने, क्रिटिक्स ने, सब लोगों ने बोला खत्म, इट इज व्हाइट वॉश, बॉलीवुड को अब लगता कोई नहीं उठा सकता है। ऐसे में कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया आती है, ऑल ऑफ ए सडन ये फिल्म फर्स्ट डे 14.14 करोड़ की कमाई करती है 14 करोड़ के ऊपर। सेकेंड डे से कमाई होती है 18.34 करोड़, 18 करोड़, 34 लाख। तीसरे दिन कमाई होती है 23 करोड़ 51 लाख, 23 करोड़ 51 लाख। तो इसे समझ में आ जाता है कि जरूरी नहीं कि बॉलीवुड खत्म हो गया है। वो ये था कि एक बैड फेज था और खराब फिल्में थी और एक सही फिल्मों का इंतजार था, स्पेशल मास फिल्में। मैं ये नहीं कहूंगा भूल भुलैया बहुत अच्छी फिल्म है, मैं हमेशा अपनी बातों पर कायम रहता हूं, भूल भुलैया इज नॉट ए बेस्ट फिल्म, बट हाँ ये एक ऐसी मास फिल्म है जो पब्लिक को पसंद आती है। और यहाँ पे फोर्थ डे 10.75 करोड़ का इसने कलेक्शन किया, 11.5 करोड़ का, और कल इसका कलेक्शन आया है 9 करोड़ 56 लाख, यानी कि 9 करोड़ 56 लाख, और टोटल हो चुका है 76.27 करोड़। ये एक बेहतर कलेक्शन है, 76 करोड़ कलेक्शन हो चुका है। तो उसको आप कितने खुशी जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।